हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति बाला राठौर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ड्रेस मेकिंग फ्रॉम LSTI इंदौर। आज मैं आप लोगों के लिए प्रोफेशनल रिज्यूम, आपका बायोडाटा बनाने के लिए एक प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। यहाँ मैं बेहद साधारण, एकदम सिंपल सा, और जो आपका एक नॉर्मली बायोडाटा होना चाहिए, स्टैंडर्ड जिसे बोला जाएगा, आप लोग प्रोफेशनल स्किल ले चुके हो, आपने LSTI से कंप्लीट कोर्स कर लिया है, अब आप बाहर जाएंगे जॉब के लिए, तो आपको एक प्रॉपर बायोडाटा होना चाहिए आपके पास में। बायोडाटा को हम रिज्यूम भी कहते हैं, CV, करिकुलम वाइटे और बायोडाटा ये भी बोलते हैं। अभी देखिए, बायोडाटा में सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बायोडाटा, आप अपना नाम लिखेंगे, नेम आपका जो भी नाम है, यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए रीना शर्मा लिया है, आप अपना नाम डालेंगे, फादर्स नेम, फादर्स नेम में आप अपने फादर का नाम डालेंगे, और डेट ऑफ बर्थ जो आप डालेंगे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट वाली होनी चाहिए। कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो होती है आपकी 10th के सर्टिफिकेट में, कभी कभी कुछ कुछ लोग कम ज्यादा करवा लेते हैं, जो भी चेंजेस करवाते हैं, तो उस हिसाब से आप जब आप अपना बायोडाटा प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपके जो 10th के सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की जाती है वो 10th की मार्कशीट से की जाती है। इसलिए आप ये बात हमेशा याद रखें कि आपके 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ आप डाल रहे हैं या उसमें जो लिखी हुई है वही आप उसमें दें। इसी तरह आपके नाम की स्पेलिंग में और फादर्स नेम यानी पिताजी के नाम की स्पेलिंग में जो भी यूज हुए हैं वर्ड्स, वही आप एज इट इज अपने बायोडाटा में डालें, क्योंकि कभी भी जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है तो 10th की मार्कशीट को बेस माना जाता है, 10th की मार्कशीट के आधार पर आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम की सारी स्पेलिंग्स को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आपको तुरंत या पहले से ही करके रखना चाहिए। आप नेशनलिटी लिखेंगे, इंडियन, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं यहाँ लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस, आप भी आपका जो एड्रेस है जहाँ आप रह रहे हैं वो आपका लिखेंगे, आप परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में आपका आ जाएगा एड्रेस जहाँ आपका, जैसे आजकल आप लोग अभी पढ़ने के लिए हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं पेइंग गेस्ट रह रहे हैं या आप बाहर कहीं रह रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पढ़ने के लिए गए हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस में आपका वो एड्रेस आएगा और परमानेंट एड्रेस में आपका घर का पता आएगा जहाँ आपके पेरेंट्स रहते हैं, जो आपका नेटिव प्लेस है वो आपको लिखना है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आप ऐसा नंबर दीजिए जो अभी आपका नंबर चालू है और उस पर आपको सब तरह के मैसेज और आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सके। ईमेल एड्रेस जो आप रेगुलर चेक करते हैं ईमेल, और आपकी ईमेल जिस पर आती है वही ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस आपका सही होना चाहिए, उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने से रह जाती है। लैंग्वेज नोन, आपको जो भी लैंग्वेज का नॉलेज है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कास्ट रिलीजन में जनरल, अगर आप जनरल हैं तो जनरल, ओबीसी हैं तो ओबीसी, SC ST हैं तो वो, और हिंदू रिलीजन में आएगा आपका, आप जो भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे। अगर आपकी कास्ट जनरल है तब तो ठीक है, लेकिन आप ओबीसी SC ST में हैं तो आपको इसके साथ में सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। आधार नंबर, जैसा कि आप सभी जानते हैं आधार नंबर अति आवश्यक है, आधार नंबर ही से ही आपकी आइडेंटिटी मानी जाती है, और आधार नंबर यूनिक आईडी है और उसको आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधार नंबर से ही आपकी सारी जानकारी लिंक रहती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी जो आपने एजुकेशन बेसिक की है, यहाँ हमारे पास जो बच्चे आते हैं मैक्सिमम जो भी क्वालिफिकेशन रहती है उसमें 10th और 12th, अगर आपने इससे हायर कुछ किए तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने दी हुई है 10th, जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है, अगर MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड। सब्जेक्ट ऑल, 10th में आपके ऑल सब्जेक्ट आएंगे, यहाँ परसेंटेज। 12th जो भी आपका बोर्ड है, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड। सब्जेक्ट यहाँ हमने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स और परसेंटेज। फिर आपकी आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अब आप NSTI से कोर्स कर चुके हैं तो आपके पास में CTS अगर आपने किया है तो CTS, और अगर CITS किया है तो इसी के नीचे एक कॉलम और बनाकर आप CITS का भी लिखेंगे। CTS ड्रेस मेकिंग कहाँ से किया है, NSTI इंदौर, सब्जेक्ट आपका है ड्रेस मेकिंग और परसेंटेज।
एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। अब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आपकी आती है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कुछ आता है आपने सीखा है तो वो, या आपने और कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेस किए हुए हैं तो वो, उनके बारे में आप यहाँ पर जानकारी देंगे। अब एक्सपीरियंस ट्रेनिंग, आपने अभी तक तो आपके पास एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इस ट्रेड से रिलेटेड, यानी अभी आपने अगर ड्रेस मेकिंग का कोर्स किया है, CTS किया है, तो अभी आपके पास में एक्सपीरियंस के तौर पर आपकी DST ट्रेनिंग यानी ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में आपने जो ट्रेनिंग ली है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 month ट्रेनिंग अंडर DST ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इन इंदौर एक्सपोर्ट, जहां से भी आपने किया है, जिस भी इंडस्ट्री से आपने किया है यहाँ उसका नाम आएगा। हॉबीज में आपकी जो भी हॉबी है, यहाँ हमने एग्जांपल के लिए ट्रैवलिंग एंड पेंटिंग दी हुई, आपकी जो भी हॉबी है यहाँ पर लिख सकते हैं। लास्ट में आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ये डिक्लेरेशन देना होता है कि आपके द्वारा दी गई जितनी भी जानकारी है वह पूरी तरह से सच है और आपकी जानकारी में है। आपको अपनी प्लेस देनी है, जहाँ आप रहते हैं वो प्लेस देंगे आप, इंदौर, डेट जिस डेट को आप बायोडाटा सबमिट कर रहे हैं, और एनक्लोजर्स में आपके आती हैं जो भी आपने, जैसे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जितने भी आपने क्वालिफिकेशन हैं उनके सर्टिफिकेट्स प्लस आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र, सबकी एक एक फोटो कॉपी आपको इसके साथ में लगानी होती है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं आपको। और यही हमारा बायोडाटा कंप्लीट होता है। बायोडाटा में जो बेसिक, जो मेन चीजों का समावेश होना चाहिए, यहाँ हमने उन्हीं को लेकर एक बेसिक बायोडाटा रेडी किया है और ये बायोडाटा अब आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग कंप्लीट अपना कोर्स कर चुके हो, अब आपको जॉब के लिए या काम के लिए कहीं भी अपना बायोडाटा देना है, तो इस तरह से आप अपना बायोडाटा प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।